नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जयपुर में हूँ और ये जयपुर का चांद पॉल बाज़ार है। यहाँ से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और बड़ी चौपड़ हवा महल तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको जयपुर की बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और मज़ा आने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये सफर इस बैटरी वाली गाड़ी में हम शुरू कर रहे हैं। आइए चलते हैं। और ये दूल्हे की घोड़ी जो अभी जा रही है दूल्हे के यहाँ पे, और ये भाई के साथ हमने बैटरी वाली गाड़ी, इस बैटरी वाली गाड़ी में ये सफ़र हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ ये देखिए, बढ़िया सी एक तस्वीर इन्होंने लगा रखी है कांच के ऊपर। और ये चांद पॉल बाज़ार से हमारा सफ़र शुरू हो गया है। क्या नाम आपका? मोइन भाई के साथ ये सफ़र हम कर रहे हैं। मोइन भाई, कितनी देर चलाते हो गाड़ी? आप सुबह 9 बजे और रात में 10 बजे, 9 से 10 कंटिन्यू ये भाई इस बैटरी वाली गाड़ी में पूरे दिन जयपुर को देखते रहते हैं। जिस जयपुर को आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ये मोइन भाई पूरे दिन इधर से उधर देखते रहते हैं। क्यों, सही है ना, पूरे दिन देखते रहते हो। अभी अपना जो वीडियो देख रहे हैं इसमें क्या बोलोगे उसको, जयपुर के बारे में क्या बोलोगे आप? बढ़िया है जयपुर, बढ़िया है। आप आके इसको देखें यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। और ये दीनानाथ जी की गली यहाँ पर, जहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट मसाले सब मिल जाते हैं। एक एक गली का, एक एक दुकान का, एक एक नुक्कड़ का अलग अलग महत्व है जयपुर में, शायद आपको पता है या नहीं है। और ये देखिए, ये रिक्शा जो भाई चला रहे हैं रिक्शा, और ये आगे त्रिपोलिया बाज़ार आएगा और राइट में किशन पॉल बाज़ार और लेफ्ट में गणगौरी बाज़ार। और अभी हम आ गए हैं छोटी चौपड़ पर, इसी के नीचे मेट्रो चलता है। ये इधर मेट्रो का एंट्री का, यहाँ से आप इंटर करके नीचे जा सकते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड चलता है मेट्रो पुराने शहर के अंदर। चांद पॉल से लेकर के और बड़ी चौपड़ तक अंडरग्राउंड मेट्रो है, और चांद पॉल से आगे मानसरोवर तक मेट्रो बाहर आपको देखने को मिल जाता है। आप शहर को देखते हुए मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। और ये बैटरी वाली गाड़ियाँ यहाँ बहुत सारी हैं, जिससे पोल्यूशन भी नहीं होता और आपको सस्ते में ये इधर से उधर छोड़ देते हैं। जैसे ये मोइन भाई हमें छोड़ रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं और साथ में अपना भी बच्चों का गुजारा भी इससे कर लेते हैं। एक धंधा, एक रोज़गार इस बैटरी वाली गाड़ी के रूप में इन्हें मिला हुआ है। और ये जंतर मंतर सिटी प्लेस हवा महल के जो दर्शक आते हैं उनके लिए इधर पार्किंग है, इधर आप पार्किंग अंदर लगा सकते हैं, पेड पार्किंग। और ये वैसे जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये इन पूरे मार्केट में, पूरे जयपुर के इस पुराने शहर में आपको ये दुकानों के आगे पार्किंग मिल जाती है, जहाँ आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। ये पेड पार्किंग है, आपको कुछ पैसा यहाँ देना पड़ता है और आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग वाले लोग यहाँ लगे हुए हैं जो आपको हेल्प करते रहते हैं। इस तरह से ये पूरा पार्किंग यहाँ पर है। बाकी ये जयपुर शहर बहुत ही अद्भुत शहर है, ये दुनिया भर से लोग यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं। हर मौसम में यहाँ पर लोग आते हैं, गर्मी में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो जाता है, बाकी हर मौसम में आप यहाँ आ सकते हो। और ये देखिए अंदर, बहुत ही अद्भुत ये बना हुआ जयपुर शहर। और ये हम यहाँ पर आ गए हैं अभी त्रिपोलिया के सामने, ये देखिए त्रिपोलिया गेट, और ये भी अद्भुत है, त्रिपोलिया भी अद्भुत है।
इसमें अभी भी जो यहाँ के राजा हैं वो रहते हैं, उनका फैमिली यहाँ रहता है त्रिपोलिया के अंदर। इसलिए यहाँ अंदर वीआईपी ही मोमेंट होता है, बाहर से आपको नहीं जाने देंगे हर आदमी को। और ये पूरा जयपुर शहर पिंक सिटी, और ये हरियाली आपको बहुत सारी जयपुर में मिलती है, चारों तरफ हरा भरा जयपुर, और ये पिंक कलर में रंगा हुआ जयपुर। ज़रूर एक बार यदि आप नहीं आए हैं तो आके देखें इस जयपुर शहर को। ये भीड़ भाड़ हमेशा ऐसे ही चहल पहल यहाँ रहती है। अभी शाम का टाइम है और आज तारीख कितनी होगी मोहिंद भाई? 26 होगी ना, 26 अप्रैल है आज, 26 अप्रैल 2023। और अभी टाइम हो गया तकरीबन 6:30 का, शाम को तकरीबन 6:30 के टाइम पे हम चल रहे हैं अभी। और ये यहाँ त्रिपोलिया बाज़ार का पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट डिपो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस। और ये दुकानें, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये दुकानों के आगे बरामदे बने हुए हैं। और ये हवा महल, ये यहाँ से हवा महल का एंट्री 9 बजे से 6:30 बजे तक, सुबह 9 से 6:30 तक आप हवा महल देख सकते हैं। यहाँ ये अंदर जाने का एंट्री था, वहाँ से आप हवा महल के अंदर जा कर के इसे देख सकते हैं। इसका एंट्री टिकट 50 रुपये है, सिर्फ 50 रुपये में आप हवा महल को अंदर से देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ अभी बाहर से इसे देखने वाले हैं। ये बड़ी चौपड़ आ गई है, और ये बड़ी चौपड़ जिसे बोलते हैं, अंदर आप देखेंगे तो ये बड़ा सा एक बनाया गया है फुआरा नुमा। इसमें आगे आने वाले दिनों में पानी चलेगा ऐसा लगता है। और ये इसके चारों तरफ हरियाली लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं, अलग अलग गमलों में छोटे बड़े गमले यहाँ पर लगाए हुए हैं, और इसे बहुत ही डिजाइन से बनाया हुआ है, राजा ने बहुत ही अच्छा बनाया था। और ये इसके सामने पूरा बड़ी चौपड़ का पूरा मार्केट और बड़ा पूरा व्यू। ये देखिए सूरज अभी ढल रहा है, 6:30 का टाइम हो गया है। और ये सामने पूरा आपको हवा महल का एक लुक आपको यहाँ से दिखाई दे देता है, एक कॉर्नर सामने का एक कॉर्नर आपको दिखाई देता है। और ये पूरा यहाँ का ट्रैफिक चलता हुआ चारों तरफ घूमता हुआ रोड इसके, और सामने ये माणक चौक पुलिस थाना है यहाँ पर। और ये सीधा इधर यदि जाएंगे तो सूरज पोल को जाता है, और इसी के अपोजिट में इधर देखेंगे घूम के, जिधर सूरज अभी जा रहा है अंदर, उधर चांद पोल है जिधर से अभी हम चल के आए हैं। और सामने जौहरी बाज़ार, और आगे सांगानेरी गेट आ जाता है, इधर सूरज पोल गेट आ जाता है, और इधर चलेंगे तो हवा महल, और आगे आमेर फोर्ट और नारगढ़ फोर्ट को ये रास्ता जाता है। और ये माणक चौक का बाज़ार, हवा महल के सामने का बाज़ार, और ये हवा महल आपके सामने। वर्ल्ड फेमस हवा महल, राजा ने अपनी रानी के लिए ये हवा महल बनाया था, जिसमें जहाँ भी बैठ के रानी हवा लेना चाहिए हवा आती थी। चारों तरफ खिड़कियाँ आप देखें, बहुत सारे झरोखे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे झरोखे जिनमें चारों तरफ हवा आती है, इसीलिए इसका नाम हवा महल हो गया, हवा महल रखा गया। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।